अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मुज़म्मिल बख्श साहब ने नागपुर से सवाल किया है कि अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो क्या वो काफिर हो जाता है। जनाब मुज़म्मिल साहब, जानबूझकर नमाज छोड़ना ये गुनाह कबीरा है और नमाज छोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है। नमाज छोड़ने वाले के लिए बहुत सख्त वईदें आई हैं और जो कसदन नमाज़ें तर्क करता है तो वो जहन्नम में जाएगा। हज़रत अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल कबाइर में एक रिवायत बयान फरमाई है कि जहन्नम में एक वादी है जिस वादी का नाम है मुलहिम, और इस वादी में सांप ही सांप हैं, और कितने सांप हैं ये अल्लाह जानता है। हर एक सांप की मोटाई ऊँट की गर्दन के बराबर है और उसकी लंबाई एक महीने का रास्ता है, यानी एक महीने की मसाफत उस सांप की लंबाई है। और उस वादी में रब तबारक व तआला बेनमाजियों को डालेगा। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं होता है, यानी वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा गुनहगार है। चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी करें और जो नमाज़ें छूटी हैं, जो नहीं पढ़ा, उन तमाम नमाज़ों को अदा करें।